1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ जनसंघ की गोद से। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के रथ में सवार होकर 90 के दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उत्तर प्रदेश में पहली बार सफलता पाकर मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे के साथ सत्ता में आई। जब भाजपा का जन्म हुआ था तब एक नारा हम अपने बचपन में बहुत सुना करते थे, भाजपा की तीन धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली, मनोहर। आज अटल जी इस संसार में नहीं है और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी एक ऐसे मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन चुके हैं जिसकी कोई बैठक पिछले 5 सालों के दौरान नहीं। लेकिन ये एक अलहदा मुद्दा है। आज मैं 5 मई 2019 को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाए जाने वाले हल्द्वानी शहर में हूं और मन में कुछ यूं ही विचार आए जो आपसे साझा करने जा रहा हूं। अटल जी के चलते उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचा और उत्तराखंड राज्य का जन्म वर्ष 2000 में हुआ। पहली अंतरिम सरकार भाजपा की बनी और निर्वाचित सरकार 2003 में कांग्रेस की बनी। नारायण दत्त तिवारी दिल्ली से उत्तराखंड भेजे गए इस शिशु राज्य को प्रगति पथ में डालने की नीयत से। नारायण दत्त तिवारी एक बहुत असुरक्षित मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में याद किए जाएंगे, जिन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए तमाम प्रकार के समझौते किए और इस शिशु राज्य को, यदि मैं कहूं, एक गलत पथ में डाल दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारायण दत्त तिवारी अपने ही साथियों यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से भयभीत रहते थे। कारण था, कांग्रेस को उत्तराखंड में स्थापित करने का असल श्रेय हरीश रावत को जाता था और यह उम्मीद थी हरीश रावत के समर्थकों की और कुछ हद तक या काफी हद तक जनता की भी कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत होंगे। रावत लेकिन चूक गए, जो भी कारण रहे हों। तब की कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने नारायण दत्त तिवारी को उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया। पूरे 5 साल बेचारे नारायण दत्त जी अपनी सरकार को बचाने की नीयत से तमाम प्रकार के समझौते करते रहे। उन्होंने एक नई परंपरा इस राज्य में डाली। 125 करोड़ के राज्य में उन्होंने 300 से ज्यादा लाल बत्तियां बांटी, जिसे हम आज लाल बत्ती कल्चर कहते हैं, और जो उत्तराखंड से हमें विरासत में मिला, तिवारी जी ने उसको खूब सींचा। घर घर में एक लाल बत्ती हो गई, एक दर्जाधारी राज्य मंत्री हो गया। ये वो दौर है या ये वो दौर था जब देवताओं ने देवभूमि से पलायन करने की शुरुआत कर दी। यहां अपराध बढ़ा, हालांकि यहां औद्योगिक विकास भी हुआ जिसका श्रेय नारायण दत्त को ही जाता है, लेकिन देवता देवभूमि से पलायन करने लगे। दूसरी सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस से तिक्त होकर देवभूमि वासियों ने भाजपा की चुनी। बहुत उम्मीद, बहुत उत्साह के साथ जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया और सेवानिवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से हुए। खंडूड़ी जी के बाद राज्य की कमान निशंक जी के हाथों में चले गई। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो इस समय हरिद्वार से निवर्तमान सांसद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक तेज तर्रार नेता की है। बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। खंडूड़ी जी और निशंक जी के समय में देवभूमि से पलायन देवताओं का फास्ट ट्रैक मोड में आ गया। कारण था, उन जगहों में जहां देवता बेचारे वास करते हैं, वहां भी खंडूड़ी जी और निशंक जी ने
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की दुकानें खोल डाली। अब ये फिर एक अलहदा मुद्दा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के दौरान क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मुद्दा सिटुर्जिया लैंड स्कैम का भी है, जिसमें कई सौ करोड़ की जमीन रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ही दिन में 26 विभागों के प्रमुख सचिवों और सचिवों से हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर ले निजी हाथों में सौंप दी। खाकसार और उसके जैसे कुछ लोग इस मुद्दे पर मुखर हुए, कोर्ट गए। हालांकि माननीय न्यायालय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करी, या यूं कहा जाए कि उनको बाइज्जत बरी किया, लेकिन हमारा प्रयास भी सफल हुआ और जमीन शासन को नेत हो गई, नेत कर दी गई। उसके बाद खंडूरी जी एक बार फिर आए निशंक जी को हटने के बाद। खंडूरी हैं जरूरी के नारे के साथ भाजपा फिर चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन जनता ने इस बार फिर सत्ता परिवर्तन का मन बनाया और कांग्रेस की वापसी हुई। एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व ने अजीबोगरीब निर्णय लिया। जनता को फिर उम्मीद थी कि हरीश रावत आएंगे, आ गए विजय भंगुड़ा पैराशूट कैंडिडेट की तरह। दिल्ली के सत्ता गलियारों में बड़ी चर्चा थी कि कुछ औद्योगिक समूहों का, कुछ उद्योगपतियों का इसमें योगदान रहा, पर यह भी अलहदा मुद्दा है कि विजय भंगुड़ा कैसे आए। हाँ, तब तक देवताओं का पलायन इतना बढ़ गया था, या यूं कहिए उनका क्रोध भी अपने पलायन के कारण बढ़ गया, और केदारनाथ की आपदा सामने आ गई। इस आपदा जिसमें सरकारी आंकड़े 5000 के करीब लोगों की मृत्यु की प्रमाणिकता करते हैं और अपुष्ट आंकड़े 20000 के करीब केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों और वहां के स्थानीय निवासियों की मौत का दावा करते हैं, इस आपदा के बाद विजय भंगुड़ा हट गए और हरीश रावत अंततः राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 2014 में केंद्र में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को जनता ने अद्भुत बहुमत देकर सत्ता में बैठाया। जिन उम्मीदों और जिन अपेक्षाओं के पहाड़ के साथ मोदी सत्ता में आए थे, काफी कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी 2012 में कांग्रेस ने जब हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो जनता की अपेक्षाएं उनसे बहुत ज्यादा थी। हरीश रावत जिस समय मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकार थी 5 निर्दलियों या 4 निर्दलियों के साथ, कमजोर सरकार थी। ये वह समय है जब राज्य में अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत तेजी से शुरू हो गया था। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हरीश रावत के समय में हुआ, 2007 से ही ये स्थितियां शुरू हो गई थी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने, बाहुबलियों ने और धन पशुओं ने उत्तराखंड की राजनीति में कब्जा करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक संक्रमणकार के दौर में रेखा आर्या उत्तराखंड की राजनीति में मैदान में उतरी। वह भाजपा में रही, भाजपा के बाद कांग्रेस के साथ उनका गठजोड़ बढ़ा और फिर एक दिन वो अचानक हरीश रावत का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गई। मैं आज ये बात उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में इसलिए आपके सामने कह रहा हूं, या मेरे विचार जो मन में आ रहे हैं वो आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ इस समय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ घोर अन्याय हुआ है और वो अन्याय करने वाला राज्य की वर्तमान त्रिवेंद्र सिंह सरकार में मंत्री सुश्री रेखा आर्या जी का पति गिरधारी साहू है।
गिरधारी साहू उत्तर प्रदेश के समय से टॉप स्ट्रीट शीटर अपराधी है, कई महीनों की जेल में सजा काट चुका है और सजा भी छोटे मोटे मुकदमे में नहीं, हत्या के आरोपों में। एक हत्या का मुकदमा तो इतना विचित्र है कि उसकी सारी फाइलें ही बरेली न्यायालय से गायब कर दी जाती हैं और अभी भी वो मुकदमा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चल रहा है। बहरहाल, कहने का मतलब ये कि गिरधारी साहू एक स्थापित अपराधी हैं, भूमाफिया है। उसका मेन मुख्य काम जमीनों में कब्जा करना और विवादित जमीनों को मुर्गे फांस कर बेच देना है। ऐसे मुर्गों में कई उत्तराखंड के सीधे साधे लोग भी हैं जिनके मुद्दे हमने कई बार उठाए कि गिरधारी साहू ने किस प्रकार बेनामी संपत्तियां एकत्रित करी हैं और उन बेनामी संपत्तियों को लोगों को बेचा है। मैं प्रमाण हमने ये समाचार लगातार छापे, हमने ये प्रमाण भी दिया कि किस प्रकार भारत सरकार का आयकर विभाग और उस आयकर विभाग की एक विशेष शाखा जो बेनामी संपत्तियों की जांच करती है, वो इस विषय पर गिरीश जोशी नाम के एक व्यक्ति को तलाश रही है जो गिरधारी लाल साहू के बेनामी कारोबार का चेहरा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस तक पहुंचता या ना पहुंचता, हम उससे पहले गिरीश जोशी के पास पहुंचे। हमने मैं प्रमाण ये सबूत दिए सरकार को और जनता के सामने रखे कि कितने करोड़ की संपत्ति का ट्रांजैक्शन उस गिरीश जोशी के अकाउंट से किया गया है जो गिरधारी लाल साहू के यहाँ खाना बनाने का काम करता है। मगर अफसोस, जिस राज्य से देवता ही पलायन कर गए हों, वहां हमारी खबरों का क्या असर होता। गिरधारी लाल साहू के काले कारनामों को उजागर करने के दौरान हमें मिले नरेश गंगवार। आइए मैं आपको नरेश गंगवार से परिचय कराता हूं। नरेश गंगवार कौन है? नरेश गंगवार बरेली, जहां से श्री गिरधारी लाल साहू आते हैं, वहां के रहने वाले हैं और गिरधारी साहू के साथ बहुत लंबा काम कर चुके हैं। एक दिन ये हमारे दफ्तर यानी कि द संडे पोस्ट के दफ्तर नोएडा में अवतरित हुए और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है कि किस प्रकार गिरधारी लाल साहू ने अपनी दूसरे नंबर की पत्नी, जरा ठहरिए, गिरधारी लाल साहू जी की दूसरे नंबर की पत्नी से मेरा आशय ये कि हमारी माननीय मंत्री उनके तीसरे नंबर की पत्नी है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में ये लीगल है या इलीगल, इस पर चर्चा बाद में। फिलहाल उनके दूसरे नंबर की पत्नी की किडनी खराब होने के कारण गिरधारी लाल साहू जी ने एक नया मुर्गा फांसा अपने ही दोस्त नरेश गंगवार को। और इनको, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से आते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ये उसको MBA कराना चाहते थे, गिरधारी लाल साहू ने इनको वायदा किया कि MBA भी कराऊंगा और बेटी की शादी भी कराऊंगा, तो मेरी पत्नी को अपनी किडनी दे दो। फिर भी बेचारे घबराए, इन्होंने मना किया। इनको धोखा देकर दिल्ली के प्रसिद्ध मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास हैं और हमने अपने अखबार में प्रकाशित भी किए, उसमें गिरधारी लाल साहू जी की किडनी को मैच कराया गया इनकी पत्नी, दूसरे नंबर की पत्नी के साथ। मगर चूंकि मेदांता बहुत रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, जब उनको ये पता चला या ये अंदेशा हुआ कि गिरधारी लाल साहू की पत्नी और नरेश गंगवार में कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्होंने किडनी के प्रत्यारोपण को लिए मना कर दिया। ये देश का कानून है, उस कानून के अंतर्गत मेदांता ने जब मना कर दिया तो इन बेचारों को बलि का बकरा बनाकर श्रीलंका ले जाया गया। भले आदमी है, पहली बार हवाई जहाज में बैठे, बहुत खुश थे, पता नहीं था कितना बड़ा बकरा बनने जा रहे हैं। और फिर एक दिन इनकी आंख खुली और इन्होंने श्रीलंका के एक हॉस्पिटल, जिसकी सारी डिटेल्स हमारे अखबार के पास हैं, वहां जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि इनकी किडनी निकाल दी गई। ये जरा दिखाइए, ये देखिए, इनके बदन में आज भी निशान है, ये किडनी रिमूवल ऑपरेशन के। अब देखिए, जिस राज्य से देवता भागे उस राज्य का क्या हाल है। माननीय मंत्री जी के पति पर किडनी चोरी का आरोप लगा है और देवभूमि की पुलिस इस पर आज तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई है।
ये बेचारों की खबर आई, इन पर धमकियां आई, इन पर दबाव आए, हम पर दबाव आए और अंततः हम न्यायालय की शरण में गए हैं। मगर आज तक देवभूमि की पुलिस, देवभूमि की सरकार ये पता नहीं कर पाई है, पता लगाने की इच्छुक नहीं है कि गिरधारी लाल साहू ने कैसे इनकी किडनी निकाली, और कैसे निकाली तो पता है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किडनी निकाली तो अपराध हुआ या नहीं हुआ। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में जनसंघ के गर्भ से जन्मी थी, उस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि आपसी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस खामोश है, पुलिस हमेशा ऐसे मामलों में खामोश रहती है जब तक ऊपर से इशारा नहीं आता। गिरधारी लाल साहू एक दौर में जब उनकी पत्नी हरीश रावत सरकार से अलग होकर, उनकी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में गई और विधानसभा में हरीश रावत सरकार के खिलाफ मत दिया, उस समय केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा दिया था। तो गंगवार साहब बताते हैं उस पहरे का लाभ गिरधारी लाल साहू इनको कैद रखने के लिए करते थे, ये बाहर नहीं निकल पाते थे। बहरहाल बेचारे बाहर आए, हम तक पहुंचे, वादा किया कि अगर आप हमारी स्टोरी करेंगे तो मैं कभी दगा नहीं करूंगा और गिरधारी लाल साहू के किसी दबाव में नहीं आऊंगा। गिरधारी साहू ने इनको बहुत प्रलोभन दिए मगर ये विचलित नहीं हुए। बेचारे आज भी अपने घर से दूर रह रहे हैं क्योंकि बरेली शहर में गिरधारी लाल साहू का बहुत प्रभाव आज भी है क्योंकि वो वहां के नंबर वन हिस्ट्री शीटर रहे हैं। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली त्रिवेंद्र रावत सरकार भी इनके मामले में कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। और सच बात तो यह है कि त्रिवेंद्र जी के कैबिनेट की मंत्री गिरधारी लाल साहू की तीसरी पत्नी श्रीमती रेखा आर्या हैं, तो हमें भी उम्मीद नहीं है कि त्रिवेंद्र शिव सिंह रावत भय भूकर भ्रष्टाचार मुक्त के भाजपा के नारे को कैसे यथार्थ पर ला पाएंगे। और सच तो यह है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सत्ता तक पहुंचते पहुंचते इतना बदल गया कि जैसा इस मुल्क के एक बहुत बड़े कवि शरद जोशी कहा करते थे, कांग्रेस के संदर्भ में जब 1977 में इंदिरा जी हारी और विपक्ष गठबंधन जनता गठबंधन की सरकार बनी, तो शरद जोशी ने कविता लिखी थी, मुझे कविता पूरी याद नहीं है, उसका आशय याद है कि इस मुल्क में अंततः हर चीज़ कांग्रेस हो जाती है और जनता सरकार भी अंततः कांग्रेस में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि जिन चीज़ों के लिए कांग्रेस को आरोपित किया जाता रहा है उससे कहीं बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी हो गई है, चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब मैं आता हूं एक दूसरे संदर्भ में। हमारे साथ हैं इस अखबार के संवाददाता मनोज बोरा। ये मनोज बोरा अभी आ रहे हैं, देखिए लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। इन बेचारों की इस टांग में गोली लगी कुछ ही समय पहले, कुछ ही अरसा पहले, और गोली मारने वाले सुपारी किलर्स थे, प्रोहिबिटेड बोर से, यानी कि वो बोर जो केवल पुलिस यूज कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है और जिसके लिए निजी लाइसेंस इस देश का कानून इजाजत नहीं देता है, उस विदेशी मेक की पिस्टल से इनको गोली मारी गई। दिन दहाड़े जहां मैं खड़ा हूं इससे कुछ ही दूर, चूंकि ये पत्रकार हैं तो पत्रकार मित्र के साथ हो हल्ला करने पर और उनके समर्थन पर उतरने पर देवभूमि की पुलिस सक्रिय भी, सुपारी किलर्स पकड़ लिए गए हैं। दो हैं जिन्होंने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह कबूला और ये बताया कि उनको इस काम के लिए, यानी कि मनोज बोरा और इस अखबार के प्रभारी जो ये वीडियो बना रहे हैं, जरा अपनी तस्वीर दिखाइए, दिव्य सिंह रावत को मारने के लिए सुपारी दी गई थी, तो बेचारे मनोज बोरा भी उसकी चपेट में आ गए और सुपारी दी थी भाजपा से बागी हुए एक सज्जन ने जिनका नाम प्रमोद नैनवाल है। जरा गौर से सुनिएगा प्रमोद नैनवाल, इनकी कहानी भी बड़ी अजब है। ये प्रमोद नैनवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में रानीखेत क्षेत्र से
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट की हार का कारण बने। बहुतों का मानना है, मेरा भी अपना मानना है कि यदि अजय भट्ट जो उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के और अभी भी हैं, यदि वो चुनाव जीतते तो वो राज्य के मुख्यमंत्री होते। अजय भट्ट चुनाव हारे तो केवल इन महाशय के कारण जिनका नाम है प्रमोद नैनवाल। क्या ट्रेजेडी है, कितनी त्रासदी है कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट को चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि इसमें यह भी कहा जाता है कि उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारने के लिए अजय भट्ट के ही कई सहयोगी, कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। बहरहाल फिर यह एक अलग मुद्दा है। प्रमोद नैनवाल जी ने अजय भट्ट को धूल चटा दी। अजय भट्ट हारे तो श्री करण मेहरा से, लेकिन कारण बने प्रमोद नैनवाल। तो मैं ट्रेजेडी की बात कर रहा था, वो प्रमोद नैनवाल भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों पुनः शामिल कर लिए गए और अध्यक्ष याद रखिए अभी भी अजय भट्ट ही हैं। अजय भट्ट सरल स्वभाव के हैं, बेचारों को दबाव रहा होगा, उनकी असहमति भी रही होगी, लेकिन प्रमोद नैनवाल शामिल कर लिए गए भारतीय जनता पार्टी में। अब प्रश्न उठता है कि प्रमोद नैनवाल क्यों शामिल हुए, ऐसा क्या कारण रहा नैनवाल जी को कि उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा, जिससे अलग होते समय उन्होंने बहुत कुछ पार्टी के खिलाफ कहा था। तो कारण सुनिए क्या है। कारण यह है कि श्री प्रमोद नैनवाल जी सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए सम्मान के साथ बोलना पड़ रहा है। उनके एक भाई हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं वो भी, वो नाराज थे दिव्य सिंह रावत से व्यापारिक मामलों को लेकर। तो दिव्य सिंह रावत से उनकी लड़ाई या उनकी नाराजगी इस हद तक पहुंची कि उन्होंने पहले तो दिव्य सिंह रावत और उनके एक साथी सचिन जलाल पर एक झूठा मुकदमा हल्द्वानी में दर्ज कराया अपने परिवार के साथ मारपीट करने का। जो पुलिस गिरधारी लाल साहू के खिलाफ दरख्वास्त देने थाने पर जाने वाले सैकड़ों लोगों की एफआईआर दर्ज करने के लिए महीनों का समय लगाती है या एफआईआर दर्ज ही नहीं करती, देवभूमि की उस पुलिस ने, हल्द्वानी की कोतवाली ने, वहां के कोतवाल साहब ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी बगैर किसी जांच के। जीडी इंट्री नहीं करी, जनरल डायरी इंट्री नहीं थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिव्य सिंह रावत और सचिन जलाल के खिलाफ दर्ज हुई। दिव्य सिंह रावत पर जो बचे खुचे देवता हैं देवभूमि में वो मेहरबान थे, ये बेचारे कुछ समय पहले अस्पताल में एडमिट थे और इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को पता नहीं था। तो रावत जी तो क्लीन चिट पा गए क्योंकि अस्पताल के रिकॉर्ड में ये एडमिट पाए गए। अब उस फर्जी एफआईआर का क्या हुआ, इसके लिए हम फिर हाईकोर्ट भागे हैं कि साहब बताइए कुछ कार्रवाई हो रही है फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ या नहीं। इसके बाद मुझे समय याद नहीं, 2-3 महीने पहले मैं यहां आया था, उसी दिन एक घटना हुई, दिव्य सिंह रावत के फोन में या इनके किसी सहयोगी के फोन में जान से मार देने की धमकी का मैसेज आया, बड़ी गालियां थी मां बहन की, और इनसे कहा गया कि तुमको मारने के लिए हम आ रहे हैं। चूंकि मैं यहीं था, मैंने राज्य की पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार से बात करी, अशोक कुमार जी की इनायत हुई, उन्होंने यहां के एसपीसीटी से बात करी श्री श्रीवास्तव से, श्रीवास्तव साहब ने कोतवाल साहब को कहा, कोतवाल साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, उनको अच्छा नहीं लगा उनके क्षेत्र में कुछ गुंडे आए और किसी को गोली मारे। तो श्रीवास्तव जी से जो मेरी बात हुई थी 6-7 बजे शाम, दिन याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम एसओजी की टीम लगाकर ऐसे अवैध असले लेकर आने वाले अपराधियों को धर दबोचेंगे। कोतवाल साहब बेचारे अपने पहाड़ के हैं, शायद शरीफ आदमी हैं, उनको लगा क्या किसी को जेल डालना। उन्होंने जो नंबर सर्विलांस के लिए दिव्य सिंह रावत ने पुलिस को दिए थे, सर्विलांस के साथ साथ उन लोगों को सलाह भी दे डाली, नेक नियत में दी होगी, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं होगी कोतवाल साहब की, शायद राठौर हैं कोई, कि भैया यहां मत आओ तुम पकड़ लिए जाओगे। तो साहब अपराधी यहां नहीं आए, कोतवाल साहब को धन्यवाद भी दिया होगा उन्होंने अपने तरीके से, अब वो क्या तरीका है उस पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, पर फिलहाल वो नहीं आए, हम भी संतुष्ट हो गए।
हमारी संतुष्टि का नतीजा ये रहा कि एक दिन दिव्य सिंह रावत को मारने आए और मनोज बोरा को मारने आए सुपारी किलर्स को मौका मिल गया और इस नौजवान को उन्होंने गोली मार दी। प्रोहिबिटेड बोर से याद रखिएगा, गोली इनकी जांग में यहाँ से लगी है और नीचे से निकली है, ऑपरेशन हुआ है यहाँ, पत्रकार मित्रों का समर्थन मिला, हो हल्ला हुआ, राज्य के डीजीपी साहब श्री रतूड़ी जी से पत्रकार मिले, पुलिस एक्शन में आई, सुपारी किलर्स पकड़ लिए गए। मारपीट में उन्होंने बताया कि आदरणीय श्री प्रमोद नैनवाल जी के बहुत लायक भाई सतीश नैनवाल ने सुपारी दी थी। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रमोद नैनवाल साहब से मिली कोई निजी रंजिश नहीं है, पुलिस को ये बताया गया। और मजे की बात यह, देवभूमि की पुलिस चूंकि देवता चले गए हैं तो मित्र पुलिस हो गई है, सबकी मित्रता में रहती है, तो उन्होंने मित्रता ऐसी निभाई कि सतीश नैनवाल साहब, ऐसी खबरें मिली हैं पुष्ट, कि देश छोड़कर नेपाल भाग गए। दिव्य सिंह रावत और उनके साथी पुलिस का काम करते, उन्हें ट्रैक करते रहे, बताया गया कभी लखनऊ में हैं, कभी जिस इलाके से प्रमोद नैनवाल आते हैं, भतरौज खान में जहां प्रमोद नैनवाल जी के घर में एक बैंक चलता है, उस घर से पुलिस ने ऐसा बताया गया कि सतीश नैनवाल जी को पकड़ भी लिया, फिर मित्रता निभाई। अब देखिए, ये आरोप हैं, इनकी सत्यता भी नहीं है, पुष्टि नहीं है, सत्यता तो है पुष्टि नहीं है, कोशिश कर रहे हैं इनको हम पुष्ट कर सकें। फिलहाल सतीश नैनवाल गिरफ्तार नहीं हुए, फिर और दबाव पड़ता है तो सतीश नैनवाल को 120B का मुजरिम, 120B भारतीय दंड संहिता की धारा है, उसका मुजरिम बनाया गया है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। इस बीच एक और रोचक घटना होती है देवभूमि में, मेरे भी मित्र हैं, मैं देवभूमि का रहने वाला हूं, उन मित्रों ने बड़े फ़ोन किए और समझौते की पेशकश की, कुछ इशारा ऐसा था कि लेन देन भी कर लिया जाए समझौता करने के लिए, प्रपंच के अपने साथ तो ये संभव है नहीं, इसलिए हमने क्षमा मांग ली, हो सकता है कल को हम पर भी गोली चल जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जिनकी सरकार है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला एक काम किया था कि मुझे एक दशक से ज़्यादा राज्य सरकार द्वारा दी गई वायु श्रेणी की सुरक्षा हटा ली थी। ये भी अलग-अलग विषय है, इसके पीछे भी बड़े राज हैं और बड़ी कहानियाँ हैं। मुख्यमंत्री जी के कुछ करीबियों को मानना है, एक कोई घोटाला हुआ था बीज खरीद का, बड़ा मजेदार नाम है, ढेंचा बीज घोटाला, ऐसा लगता है कोई गधा ढेंचू कह रहा हो। वो ढेंचा बीज घोटाले में वर्तमान मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता का आरोप लगा था, अभी भी शायद जनहित याचिकाएं कोर्ट में हैं, मुख्यमंत्री जी के दामन में दाग है फिलहाल तक तो है ही, जब तक अदालतें बरी ना कर दें, और हो सकता है बरी कर दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, वो दाग धुल गया है। मगर ऐसा बताया जाता है, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने मुझे बताया कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि संडे पोस्ट का ढेंचा बीज घोटाले को उजागर करने में कोई हाथ था या जनहित याचिकाओं में कोई हाथ था, पर जैसा मैं कह चुका हूँ वो अलग मुद्दा है। मुद्दा यह है कि सुरक्षा हमारी मेरी भी हटाई गई है और हमें कोई भय नहीं है, हमारा काम, हम कलमकार हैं, हमारा काम लिखना है, लिखते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। मगर मुद्दा है देवभूमि से देवताओं के पलायन का और अपराधियों की शक्ति के दिनों दिन बढ़ने का। सतीश नैनवाल को उत्तराखंड की पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद। जनपद नैनीताल के SSP साहब भी भले आदमी हैं, राजस्थान से आते हैं और सज्जन पुरुष बताए जाते हैं, मेरी मुलाकात तो नहीं है उनसे। हमने गुहार लगाई कि दिव्य सिंह रावत और मनोज बोरा को कुछ समय के लिए राजकीय सुरक्षा दे दी जाए, तब इलेक्शन चल रहे थे राज्य में, ये 11 मई से पहले की बात है, 11 अप्रैल से, तो SSP साहब ने कहा कि आचार संहिता में हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, उन्होंने दी भी नहीं है। हालांकि सुनने में आता है कि लोकल इंटेलिजेंस ने दिव्य सिंह रावत की सुरक्षा के लिए रिकमेंडेशन भेजी है जो SSP साहब ने शासन को भेज दी है, शासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, शासन वेट करेगा, SSP मीणा वेट करेंगे कि दोबारा गोलीकांड हो, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि चूंकि सतीश नैनवाल को उनके भाई प्रमोद नैनवाल बचा नहीं पा रहे हैं,
इसलिए ऐसी अपुष्ट खबरें आ रही हैं। बेरोजगारी के चलते इस देश में सुपारी किलर्स की कमी नहीं है, तो वो हमारी ओर हो सकती है, देवी सिंह रावत की ओर हो सकती है, मनोज बोरा की ओर हो सकती है, किसी की भी ओर हो सकती है। तो दोस्तों, ये विचार मेरे मन में इसलिए आए, हमारा लोकतंत्र और हमारा राष्ट्र किस दिशा की ओर जा रहा है। एक और अंध राष्ट्रवाद की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इतना बड़ा हवा हो गया है कि यदि वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान वापस नहीं आया सत्ता में, केंद्र में, तो ना मालूम क्या हो जाएगा। जितनी भी लोकतंत्र की स्थापित संस्थाएं हैं, स्तंभ हैं, उनका क्षरण इस दौर में हम होते हुए देख रहे हैं, चरम पर है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक की निष्ठा पर उंगली उठने लगती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ता है कि लोकतंत्र खतरे में है और कुछ बड़ी शक्तियों के द्वारा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। याद रहे, आजाद भारत की 70 बरस की यात्रा में ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, और तब भी ये कहना पड़ा था डेमोक्रेसी इज अ डेंजर। और आज फिर एक बार मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब को यह कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है। तो जब देश के मुख्य न्यायाधीश असुरक्षित हों, देश के मुख्य न्यायाधीश लोकतंत्र को खतरे में होने की बात कर रहे हों, हम जैसे छोटे मोटे पत्रकारों की क्या बिसात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यदि आज या भविष्य में द संडे पोस्ट से जुड़े किसी भी पत्रकार को, किसी भी व्यक्ति को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कुछ होता है, तो याद रखिएगा इनमें मुख्यतः गिरधारी लाल साहू अथवा प्रमोद नैनवाल का हाथ हो सकता है। यदि हमारे साथ कोई अनहोनी घटती है, यदि मनोज बोरा पर दोबारा गोली चलती है, या दिव्य सिंह रावत पर हमला होता है, या हमारे परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर हमला होता है, तो वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान जो उत्तराखंड में है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, उनको इसके लिए दोषी माना जाए, और साथ ही मित्र पुलिस को भी दोषी माना जाए जो राजनीतिक दबाव में अपना काम निष्ठापूर्वक नहीं कर पा रही है। मैंने बहुत पहले एक बात अपने एडिटोरियल में लिखी थी, ये जो पुलिस के अफसर हैं भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा के, ये लोग हैदराबाद में पुलिस अकेडमी में एक शपथ लेते हैं, वो शपथ आप लोग जरूर देखिएगा। मीणा साहब जो यहाँ के SSP हैं, या जो उधम सिंह नगर के SSP थे सदाकांत दाते, या जो इससे पहले नैनीताल के SSP थे जन्मेजय खंडूरी, या अन्य पुलिस अधिकारी और अन्य IAS अधिकारी विनोद कुमार सुमन साहब नैनीताल के जिलाधिकारी, इन सब लोगों को वो शपथ याद नहीं रही। ये अपनी राजनीतिक आकाओं के आगे इतने झुक गए हैं, इतने अक्षम हो गए हैं, मात्र इसलिए कि इनके जिले चाहिए, अच्छे जिले चाहिए, कि इन्होंने जो शपथ ली थी भारतीय संविधान के प्रति हमेशा समर्पित रहने की, उस शपथ को ये पूरी तरह भूल चुके हैं। ऐसे में इस लोकतंत्र का क्या होगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसीलिए हम जैसे पत्रकार इनके दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। कविवर हरिओम पवार की एक कविता से अपनी बात समाप्त करता हूं, दो कविता सुनाता हूं आपको। पहले तो अलादा मुद्दा है, अटल जी की कविता याद आई, जैसे कि जोशी जी और आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए, उससे भी जुड़ी है ये कविता, और जो कुछ हमारे साथियों के साथ हो रहा है उससे भी जुड़ी है। अटल जी की एक बड़ी अद्भुत कविता है, दाग बड़े गहरे हैं बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं बेनकाब चेहरे हैं, सच से मैं भय खाता हूँ गीत नहीं गाता हूँ। आजकल आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी इन कविताओं को पढ़ रहे होंगे, यदि ये वीडियो उन तक पहुँचे तो उन्हें जरूर अपने साथी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं पढ़नी चाहिए, उनमें से कुछ कविताएं उनको लगेगा अटल जी ने उन्हीं के लिए लिखी थी। और एक कविता मुझे, एक कविता की चंद लाइनें याद आ रही हैं कवि हरिओम पवार की, वीर रस के कवि हैं, बड़े गरज के गाते हैं, उनकी एक कविता बड़ी अच्छी है,
मैं अपने सब साथियों को भी कहता हूं उस कविता से प्रेरणा लो, शायद मुझे याद है कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं दरबारों के लिए अभिनंदन गीत नहीं गाता। मेरी कलम वचन देती है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन के अड़ने की। कवि हरिओम पवार की कविता बहुत अद्भुत है, मुझे इसकी शुरुआती लाइनें याद नहीं आ रही हैं, मगर इस वीडियो को शेयर करते हुए मैं किंचित भी भयभीत नहीं हूँ, दुखी जरूर हूँ। देता है मानिए, उत्तराखंड देवभूमि से अब देवता पूरी तरह